हाँ जी, ध्यान देना। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम, और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे, मेनली लैंग्वेज है। क्वेश्चन को जितना समझ के करोगे उतना आपके लिए सॉल्यूशन जल्दी आएगा करेक्ट। क्वेश्चन में क्या कहता है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूसेज टू आइडेंटिकल लार्ज मशीन। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास दो बड़ी मशीनें हैं एंड फोर आइडेंटिकल स्मॉल मशीनरी। तो मैं इसका कहने का मतलब है कि एक कंपनी है, मान लेते हैं इसके पास भाई दो बड़ी मशीनरी है और चार छोटी छोटी मशीनरी है, ये स्मॉल है, कुछ ये बताने की कोशिश कर रहा है। आगे कहता है, ईच लार्ज मशीन ऑक्यूपाई वन क्वार्टर ऑफ वर्कशॉप। मेरे से अगर वर्कशॉप पूछूं तो जो पूरा मकान एरिया होगा, पूरे वर्कशॉप, पूरी दुकान को, इसको पूरा वर्कशॉप बोलेंगे हम। ये वाली जो मशीनरी है लार्ज वाली, और ये है स्मॉल, तो लार्ज वाली मशीनरी जो है वो 1/4 पार्ट ऑक्यूपाई करता है, एक, दोनों नहीं, एक। तो दूसरा कितना करेगा, और ये स्मॉल मशीन के बारे में बोलता है कि वो 1/8 करता है, 1/8 नहीं बोल रहा, बोल रहा हाफ ऑफ लार्ज। तो लार्ज का 1/4 है, तो स्मॉल का उसका हाफ करेंगे तो, और एक मैं बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो बड़ी मशीनरी आधा भाग घेर लेता है हमारा, और छोटी मशीनरी सब मिला के आधा पार्ट ले लेता है। समझ में आया यहाँ पे बात। इसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है, ईच लार्ज मशीन ऑक्यूपाई वन क्वार्टर ऑफ वर्कशॉप एंड फुल्ली एम्प्लॉयड विद थ्री वर्कर। फुल्ली एम्प्लॉयड विद द थ्री वर्कर, तो लार्ज वाले मशीनरी पे काम करने के लिए कितने वर्कर लगाए गए। सेम ऐसे स्मॉल वाली मशीनरी पे भी वर्कर लगाए गए, टू वर्कर। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं आपसे थोड़ा सा पूछता हूं, आप बताना कि तीनों वर्कर मिलके ये दोनों मशीनरी को संभाल रहे हैं, या तीन वर्कर यहां है और तीन वर्कर यहां है, इसका जवाब दो। दूसरा, दो वर्कर मिलके चारों को संभाल रहे हैं या दो वर्कर हर एक मशीनरी पे है, बताइए आप। अब कितने स्टूडेंट को लगता है कि भाई ये तीनों मिलके दोनों मशीनरी को संभाल रहे हैं, लार्ज मशीन की बात करो, किसी को नहीं लग रहा। किस किस को लगता है कि भाई तीनों एक ही मशीन पे एम्प्लॉयड हैं, एक पे तीन दूसरे पे तीन, या अभी किसी को कंफ्यूजन है, बताओ। ठीक है, तो देखो यहां पे वर्ड जो देखें अगर ध्यान से ना, तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। कहता है ईच लार्ज मशीन, एक लार्ज मशीन वन क्वार्टर ऑफ द वर्कशॉप एंड वही एक लार्ज मशीन फुल्ली एम्प्लॉयड विथ थ्री वर्कर। तो यहां पे आंसर इज तीन वर्कर यहां भी है और इस सब पे दो दो वर्कर है। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट है, यहां से आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। आगे कहता है क्वेश्चन में कि द वर्कर्स आर पेड इज द पीस वर्क, और वर्कर को जो होता है दिहाड़ी डेली वेजेस पे या पीसीस वेजेस पे दिया जाता है। आपका कहता है ईच ऑफ सिक्स मशीन एस्टिमेट वर्किंग आवर 1400। हर एक मशीनरी का वर्किंग आवर है हमारा 1440। ऑब्वियस है, छोटी मशीन हो बड़ी मशीन हो चलेगा कितने घंटे, 1440 घंटे चलेगा, कितने टाइम में, पर ईयर चलेगा। ठीक है ना, आगे कहता है क्वेश्चन में कंटिन्यू में, व्हाइल इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 14,000 लार्ज मशीन एंड 9,000 स्मॉल मशीन। कहने का मतलब है पूरे लाइफ में ये 12,000 घंटे चल सकता है और पूरी लाइफ में ये 9,000 घंटे चल सकता है। समझ में आ रहा है यहां पे बात। आगे कंटिन्यू में क्वेश्चन में कहता है, और जो लार्ज मशीन है वो 20,000 का है, स्मॉल मशीन जो है वो 4,000 का है, तो लार्ज मशीनरी का कॉस्ट कितने का और स्मॉल मशीनरी का कॉस्ट 4,000, लेकिन इसका भी स्क्रैप वैल्यू है, स्मॉल मशीनरी का 100 रुपए और लार्ज मशीनरी का 4,000।
तो ये पॉइंट जो दिया जा रहा है ना, ये डेप्रिसिएशन के लिए दिया जा रहा है। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालू वर्किंग नोट में, तो डेप्रिसिएशन लार्ज मशीनरी का निकाल देता हूं, इधर स्मॉल मशीनरी का निकाल देता हूं। तो लार्ज मशीनरी का कॉस्ट क्या है? 20। आपको पता है लेस स्क्रैप वैल्यू 4। अब डिवाइडेड बाय वैसे एस्टिमेटेड लाइफ रखते थे, पहले लाइफ ईयर में होता था, अब तो हर एक साल का निकलता था वो, अब आवर में है तो हमारा आवरली निकलेगा। तो डिवाइडेड बाय 12,000। सेम स्मॉल वाले का क्या आएगा? 4,000 माइनस में 100 डिवाइडेड बाय, तो इसका बताएं डेप क्या आता है? पहले वाले का डेप निकाल ले हम, 20,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो 1.333 सोन चलता गया ये, तो 3,900 डिवाइडेड बाय 9,000, तो 0.4333 सोन चलता गया। कितने मशीनरी का? एक मशीनरी का, ठीक है। ये एक स्मॉल मशीनरी का, लार्ज का, और ये एक स्मॉल का। चलिए आगे कहता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड ऑयल एस्टिमेटेड ऑफ कॉस्ट ईच लार्ज मशीन 4,000 एंड स्मॉल मशीन 1,200 ड्यूरिंग इफेक्टिव लाइफ। जो ये 4,000 और 1,200 उसके रिपेयर वगैरह पे खर्चा दिखाया जा रहा है ना, तो वो रिपेयर वाला खर्चा कितने टाइम का है? पहले हमेशा आपको एक साल का दिया जाता था, एक साल का, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो एक साल का नहीं है, वो पूरे लाइफ का है। अगर मैं सिंपल बोलूं कि भाई आपका लार्ज वाला मशीन है और एक स्मॉल वाला मशीन है, लार्ज वाला मशीन पे खर्चा कितना आ रहा है आपका? 4,000 नहीं, रिपेयर का खर्चा कितना बताइए? 4,000। और स्मॉल वाले पे रिपेयर का, तो आपको पता है मशीन का इफेक्टिव लाइफ पे चलेगा तो ये चलेगा 12,000। एक की बात कर रहा हूं मैं, वन लार्ज निकाल रहा हूं, एक एक स्मॉल, और ये चलेगा हमारा, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ एक लार्ज मशीन का कितना, एक घंटे का रिपेयर का खर्चा कितना आएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको पूरे साल का पता होता था, उससे आप डिवाइड कर देते थे प्रोडक्टिव आवर से, जो भी आवर होता था उससे डिवाइड करते, एक घंटे का निकाल लेते। अब डायरेक्टली आप एक घंटे का निकाल पा रहे हो, बताइए, कोई डाउट नहीं? आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, कंटिन्यू में क्वेश्चन में कहता है, पावर कंजम्पशन 5 पैसे पर यूनिट, लार्ज मशीन 20 यूनिट लेगा और स्मॉल मशीन 2 यूनिट लेगा। चलो पावर के भी मैं लिख देता हूं यहां पे। पावर कहता है कि भाई लार्ज मशीन जो है ना, एक घंटे में 20 यूनिट लेगा और स्मॉल लेगा 2 यूनिट, और 1 यूनिट का खर्चा कितने पैसे? तो 0.05 इंटू में 0.05, तो इसका आ गया 1 रुपया, और इसका कितना आ गया? 0.01। पावर देखिए, किसी को डाउट? फिर से देख लो, पावर है, किसी को डाउट पावर में? नहीं, सिंपल। आगे कहता है, द मैनेजर पेड 4,800 रुपीज आ ईयर, वर्कशॉप सुपरवाइजर ऑक्यूपाई हाफ टाइम ऑफ द डिवाइड इक्वली अमंग 6 मशीन। एक मैनेजर रखा भाई, उसको सैलरी देना है, यहां लिखा मैंने मैनेजर, और मैनेजर को सैलरी देना है मुझे 4,800 रुपये पूरे साल का, लेकिन उस करता क्या है, पूरे साल 4,800 लेता है, लेकिन सारी मशीनरी पे सिर्फ वो आधा टाइम ही लगाता है और आधा टाइम कहीं और वो इन्वेस्ट करता है। तो 4,800 तो उसको पूरे साल का सैलरी पूरा दिया जा रहा है, मशीनरी पे कितना टाइम डिवोट कर रहा है वो? आधा। और किस मशीनरी को आधा देखता है? पूरे 6 के 6 मशीनरी को। तो इसका मतलब ये तो है, ये जो मैंने डिवाइड 2 कर दिया, ये हो गया इसका सारा निगरानी सैलरी किस पे, बताइए, मशीनरी पे। अब यहां कितनी मशीनरी की बात चल रही है? 2 मशीनरी है, यानी सिंगल सिंगल एक एक, कितनी मशीनरी को देख रेख कर रहा है? 6। तो मैं इसको कर दूं 1/6, क्योंकि एक का यहां डाल दूंगा, एक का यहां डाल दूंगा मैं। क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि मैं एक मैनेजर की सैलरी यहां, तो ऐसा नहीं समझना कि बड़ी मशीनरी है तो मैनेजर ज्यादा देर देखेगा उसको, नहीं, सबको इक्वली देख रहा है यहाँ पे, और बोला हुआ भी है उसने, ठीक है ना? तो यहाँ पे 1/6। लास्ट में क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई आप जो कैलकुलेशन करें ना, वो 3 महीने के डेटा के बेसिस पे करें। तो 3 महीने के लिए मैं क्या कर दूं, ये पूरे साल का है, बताइए, कोई डाउट? ये स्मॉल पे भी एप्लीकेबल होगा, लार्ज पे भी? इस ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये स्मॉल पे भी एप्लीकेबल होगा और लार्ज पे भी। तो भाई दोनों डिवाइडेड इक्वली कर देंगे ना, मैं एक साथ ही कैलकुलेशन ले लूंगा, ठीक है? पहले मैं यहां वर्किंग नोट करता जा रहा हूं, किसी को डाउट?
4800 रुपये वो आधे दिन लगाता है, तो भाई आधा सैलरी सारे मशीनरी पे, 6 मशीनरी पे तो 1 मशीन का आ गया, और 3/12 3 महीने का डिटेल बोला गया है क्वेश्चन में। बताइए किसी को कोई डाउट? नहीं। आगे कहता है रेंट पेड वर्कशॉप का 6400, 6400, रेंट कितना पेड हो रहा है? 64। तो मैं लार्ज के लिए अलग निकालूंगा, स्मॉल के लिए अलग निकालूंगा, तो 6400 पूरे वर्कशॉप का है, तो 1 का 1/4, और यहां स्मॉल वाले के लिए 6400 1/8, लेकिन ये 1 साल का है 1 महीने का है, तो हमें चाहिए। बताइए कोई डाउट? लार्ज स्मॉल कैलकुलेशन में एक बार में निपटा दूंगा करके, आप सिर्फ देखते जाइए इसको, ठीक है ना? बताइए कोई डाउट है तो? नहीं, क्लियर। आगे कहता है ये लाइटिंग टू बी अपोर्समेंट इन द रेशियो ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड 1820 रुपए ईयर, तो लाइटिंग की बात करें 1820, तो लार्ज वाले पे 1820 तो पूरा तो नहीं लगा, लेकिन जो लाइटिंग का होगा रेशो, वो रेशो बटेगा पहले तो लार्ज पे कितना स्मॉल पे कितना ये डिसाइड करो। तो बोलता है जिस रेशो में वर्कर है ना उसी रेशो में होगा, तो वर्कर का रेशो अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे 6 वर्कर और यहां पे 8, तो वर्कर का रेशो बना लार्ज वाले का 6 और इसका 8, यानी और कट कर दे तो 3/4। तो सबसे पहले मैं लार्ज और स्मॉल का पहले अपोर्समेंट कर दूं, 1820 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 3, 780 यहां का है, 1800 है ना, एक मिनट, 1820 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, 780, और इसका है भाई 1040। पहले तो ये क्लियर करो अपने माइंड में कि जो 1800 आपका दे रखा है 20 रुपए, वो लार्ज वाले पे लग रहा है 780 और स्मॉल वाले पे लग रहा है 1040, लेकिन लार्ज कितने? दोनों पे। लार्ज कितने? दोनों पे। तो मुझे तो एक का निकालना है क्योंकि मैं एक का लेके चल रहा हूं यहां सारा खर्चा, तो इसका 1/2, और ये कितने पे? चारों पे, तो इसका है पूरे साल का, एग्जामिनर क्या बोलते हैं, तो 3/, तो मेरा थोड़ा कैलकुलेशन कंजस्टेड जरूर है लेकिन माइंड में क्लियर रखना। मैं लाइन भी डाल देता हूं, ये लो स्मॉल और लार्ज।